चलिए बात करते हैं। कह रहा है कि दो सिमिलर स्प्रिंग हैं पी और क्यू हैव द स्प्रिंग कांस्टेंट के पी एंड के क्यू सच दैट के पी इज ग्रेटर देन के क्यू। दे आर स्ट्रेस फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट केस ए दे आर सेम दे देन बाय द सेम फोर्स। ओके द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स पी एंड क्यू आर रिलेटेड एज। चलिए बात करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहला बात हम करें, सबसे पहली बात कि अगर स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा है, सपोज करें दो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, तो डब्लू पी और डब्लू क्यू। हम लोग जानते हैं वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कह रहा है के पी है और एक के लिए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कह रहा है के क्यू है एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया जाए भाई। अब एक चीज देखें जरा समझें, एक्स को एक्स ने मार दिया, अगर एक्स को अगर एक्स ने मार दिया और हाफ को हाफ ने मार दिया तो बचा कितना बताएं जरा, कितना बचा बच्चों बोलो, तो बचा कितना के पी बाई कितना के क्यू, यही ना बोलिए के पी और के क्यू। अब कह रहा है कि के पी, कह रहा है के पी इज ग्रेटर देन कितना है के क्यू है। देखें यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे दे रखा है के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, ऑब्वियस सी बात है, तो डब्ल्यू पी जो होगा डब्ल्यू क्यू के बराबर होगा, डब्ल्यू क्यू के बराबर होगा। इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, है ना। देखिए क्या आएगा, डब्ल्यू पी ग्रेटर होगा किसे, डब्ल्यू क्यू के, खत्म। पहला आंसर मिल गया, पहला आंसर मिल गया बच्चों। अब क्या करें, अब क्या करें, तो क्या दे रखा पहले वाले केस में, भाई के पी किससे बड़ा है के क्यू से, तो केस फर्स्ट में डब्ल्यू पी बड़ा होगा किसके, डब्ल्यू क्यू के। ओके, और सेकेंड केस में क्या कह रहा है, केस सेकेंड सेम फोर्स है, देखें जरा फोर्स सेम है, सेम फोर्स है केस बी, द वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब सेम केस बी में क्या होगा उसको जरा देखें। अब केस बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखें जरा समझें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डब्ल्यू पी बाई डब्ल्यू क्यू की बात करें तो क्या लिखेंगे, हाफ के पी इंटू एक्स पी का स्क्वायर बाई कितना, हाफ के क्यू इंटू एक्स क्यू का स्क्वायर, यही ना बोलिए। और मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे, देखें जरा समझे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ को मैं कैंसिल आउट कर दिया, हाफ अब गया काम से, बचा कितना के पी इंटू, मैं लिख सकता हूँ एक्स पी इंटू क्या एक्स पी, बाई नीचे में क्या लिख सकता हूँ के क्यू इंटू एक्स क्यू इंटू कितना एक्स क्यू, दो बातें लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बच्चों। अब एक चीज़ देखें जरा समझें, समझें बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, अब एक चीज समझें, इधर से डब्ल्यू पी को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू पी को लिख सकते हैं एफ पी इंटू कितना एक्स पी, बाई डब्ल्यू क्यू को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू क्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डब्ल्यू क्यू को क्या लिख सकते हैं बोले जरा, डब्ल्यू क्यू क्या लिख सकते हैं, एक मिनट जरा इसको हटा दें बच्चों, हाँ चलिए बताइए जरा, तो डब्ल्यू क्यू को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू क्यू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एफ क्यू इंटू एक्स क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे, लिख सकते हैं के पी इंटू एक्स पी इंटू एक्स पी बाई कितना के क्यू इंटू एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू। अगर समझ में आया तो ऐसे डब्ल्यू पी की जगह हमने क्या कर दिया, एफ पी और एक्स पी रख दिया, डब्ल्यू क्यू की जगह एफ क्यू एंड एक्स क्यू रख दिया। अब देखें जरा, यहाँ से एक्स पी ने एक एक्स पी को मार दिया, एक्स क्यू ने एक एक्स क्यू को मार दिया, आप क्या लिख सकते हो बेटा बताओ जरा, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एफ पी बाई एफ क्यू इक्वल टू लिख सकते हो के पी इंटू एक्स पी बाई कितना के क्यू इंटू कितना एक्स क्यू, ये बातें लिख सकते हैं क्या, ये बातें लिख सकते हैं, बोले जरा जल्दी से, जल्दी से बोले बेटा, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब एक चीज देखें, जो कह रहे हैं कि फोर्स है वो सेम है, सेम फोर्सेस देखें आप, बाई द सेम फोर्सेस, यानी फोर्सेस सेम है, यानी एफ पी और एफ क्यू दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं क्या, एफ ऊपर रहने दें एक्स क्यू, जो इधर एक्स क्यू है, ये जो एक्स क्यू है बेटा एक्स क्यू, इस एक्स क्यू को मैं इधर ले जाऊँ, है ना, तो क्या कर सकते हैं बताइए, अगर मैं एक्स क्यू को उधर ले जाता हूँ तो क्या लिख सकते हैं, एफ और कितना एक्स क्यू बाई कितना बोले एफ इंटू कितना एक्स पी, यही ना इक्वल टू लिख सकते हैं के पी बाई कितना के क्यू, है कि नहीं बोलिए, है कि नहीं बोलिए। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ फिर से, ये हमारा हो गया क्या, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा किसके बराबर, डब्ल्यू क्यू के, और ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू पी के,
अब देखिए यहां पे जो रिलेशन आ रहा है वो उल्टा आ रहा है, और हमारे पास क्या कहा, हमसे क्या कहा कि केपी ग्रेटर है केक्यू से, तो यहां पे क्या हो जाएगा डब्लू क्यू बड़ा हो जाएगा डब्लू पी से, राइट। तो ऑप्शन जो है इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो होगा ऑप्शन बी, देख पा रहे हैं पहले वाले कंडीशन, पहले वाली कंडीशन, ये पहली वाली कंडीशन और ये हमारी दूसरी कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को मिला करके ये हमारा सही हो रहा है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही है, ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही है। ओके समझ में आया तो ओके करना, समझ में ना आया तो ओके कर देना बेटा, ओके कर देना। ओके चलिए, थैंक यू बच्चों।